रिकॉर्डिंग ऑफ VCD 3849, क्लैरिफाइड ऑन 8 जनवरी 2022। आज का प्रातः क्लास है 25 दिसंबर 1968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 25 दिसंबर 1968। बुधवार वेनेसडे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। द सुप्रीम फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूह है तो शरीर में बैठेगी। एंड द सोल विल सर्टेनली सिट इन द बॉडी। रूहानी बच्चे समझते हैं। द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कि हम तो पहले बहुत बेसमझ बन गए थे। वी हैड बिकम वेरी फूलिश अर्लियर। रावण ने व माया ने हमको बहुत बेसमझ बनाई दिया। रावण एंड माया मेड अस वेरी फूलिश। ओ इतना बेसमझ बनाई दिया था कि जो हम देवताओं ये बंदरों मनुष्य को बंदर बुद्धि कहा जाता है। दे हैड मेड अस सो फूलिश दैट वी बिकेम मंकीज फ्रॉम बीइंग डेटीज। ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द वन विथ अ मंकी लाइक इंटेलेक्ट। ये तो समझते हो ना बच्चे। चिल्ड्रन यू अंडरस्टैंड दिस डोंट यू। और बाबा ने बच्चों को बहुत दफा समझाया। बाबा हैज एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन मेनी टाइम्स। तो समझाते हैं कि देखो। सो ही एक्सप्लेन्स लुक। है अक्षर है। देर इज अ वर्ड। ये गंता में कोई अक्षर है। देर इज अ वर्ड इन द गीता। अब ये भी तो समझते हैं बच्चे कि बापा नहीं है जबकि नई सृष्टि स्थापन होती है। नाउ द चिल्ड्रन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द फादर डेफिनेटली हैज टू कम व्हेन द न्यू वर्ल्ड इज एस्टैब्लिश्ड। इसलिए तीन चित्र तो देते ही हैं समझाने के लिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। दिस इज व्हाई ही डेफिनेटली गिव्स 3 पिक्चर्स टू एक्सप्लेन। Establishment through Brahma, destruction through Shankar, and sustenance through Vishnu. अब ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शंकर विनाश करते हैं। Well, it won't be said that Shankar does the destruction. नहीं। No. कोई के द्वारा करते हैं। He does it through someone. सब कुछ करण करावनहार। करण करावनहार does everything. तो पहले तो जो करता है और करवाते हैं। सो फर्स्ट द वन हु डज एंड हु मेक्स इट डन। तो पहले नाम किसका आएगा? हुज नेम विल कम फर्स्ट? कर्ता का आएगा। द नेम ऑफ द वन हु डज विल कम। पीछे नाम आएंगे जिन्हों के द्वारा कराते हैं। द नेम्स ऑफ दोज थ्रू हुम ही हैज इट डन विल कम लेटर। तो ये जाना जाता है कि करण करावनहार। सो यू कम टू नो दैट करण करावनहार। करने वाला तो बाप ही एक है ना। इट इज द फादर अलोन हु डज एवरीथिंग डजंट ही। और कराता किससे है? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। एंड थ्रू हुम डज ही हैव इट डन? ही एस्टैब्लिशेस द न्यू वर्ल्ड थ्रू ब्रह्मा। ये तो बच्चे जानते होंगे। द चिल्ड्रन मे नो।
कि जब ये हमारी दुनिया है, when it is our world, हम जो स्थापना कर रहे हैं, the one which we are establishing, नाम ही एकदम आला है, देवी देवताओं की दुनिया, the name itself is the highest, the world of the deities. नहीं तो देवी और देवता और किसको कहा नहीं जाता है. Otherwise, no one else is called a devi or a devta. देवी देवताएं सिर्फ सतयुग में ही होते. Deities are only in the golden age. इस समय तो और कोई मनुष्य मात्र देवता नहीं है. No other human being is a deity at this time. सतयुग में सिर्फ देवताएं ही देवताएं, देवी और देवता. There are deities and only deities, devi devtas in the golden age. चंचल मन बुद्धि वाले मनुष्य होते ही नहीं. There aren't human beings with inconstant mind and intellect at all. ये तो बच्चे समझते हैं ना कि जब ही एक ही धर्म है तो दूसरा कोई धर्म नहीं. Children understand this, don't they? That when there is only one religion, there is no other religion. तो तुम बच्चों को अभी यही स्मृति आई है, यानी हम और तुम देवी देवता थे और हमारी ये निशानी है देवी देवताओं के धर्म की. So you children have regained this very awareness, that is me and you were deities, and this is the sign of the religion of we deities. सब धर्म वालों की अपनी अपनी निशानियां तो है ना. Those belonging to every religion have their own individual signs, don't they? तो देवी देवता धर्म की भी निशानी है, बौद्धियों की भी निशानी है. So there is a sign of the deity religion as well. There is a sign of the Buddhists too. इस्लामियों की भी निशानी है, क्रिश्चियंस की भी निशानी. There is a sign of the people of Islam as well as the Christians. तो ये तो जानते हो ना बच्चे कि हमारा जब राज्य था तो कोई नहीं था. Well children, you don't know, there wasn't anyone when it was our kingdom. न इस्लामी न बौद्धी न क्रिश्चियन. Neither the people of the Islam, the Buddhists, not the Christians. अभी देखो हम नहीं है और सभी है. Now look, we aren't there and rest all of them are there. बाप भी ऐसे ही कहते हैं. The father also says like that. गीता में अच्छे बड़े अच्छे अच्छे हैं. There are very nice words in the Gita. परंतु कोई समझ नहीं सकते. But no one can understand them. तो देखो बाप कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि. So look, the father says, doesn't he? Those with an opposing intellect and those with a loving intellect at the time of destruction. अभी वो समय कब होगा? Now, when will that time come? विनाश काले. At the time of destruction. तो विनाश तो जरूर इस समय ही होता है. Destruction definitely takes place at this time. और बाप आकर के संगम युग पर जबकि चेंज होती है. And the father comes in this confluence age when changes. क्योंकि बाप तो तुम बच्चों को ये पुरानी दुनिया लेकर के नई दुनिया देते हैं. It is because the father takes this old world from you children and gives the new world. देखो यादगार भी है ना बाप. बाप सब कुछ है. Look, there is a yadgar as well, that the father is everything. कुछ सुनार है, धोबी है, ये धंधे वाला व्यापारी भी है, सौदागर है.
He is a jeweler, a washerman. He is a businessman of this and that business, as well as a merchant. है ना बच्ची? He is that daughter, isn't he? ये जो व्यापार है सो बिरला व्यापारी ही कोई व्यापार करे. It is because only a rare businessman can do this business. और इस व्यापार में अथाह फायदा. And there is huge profit in this business. है ना बरोबर? It is right, isn't it? अथाह फायदा है. There is huge profit in it. ये भी तुम समझते हो. You understand this as well. फायदा है, पढ़ाई में फायदा है, बहुत फायदा है. There is benefit in studies. There is a lot of benefit. परंतु महिमा जो दी जाती है कि पढ़ाई कमाई है, समझे? But it is said that study is income. Did you understand? ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम. This knowledge is source of income. इसको अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं. It is said so in English. तो पढ़ाई कमाई है और कौन सी कमाई है? So study is income and which income is it? मेहमा तो बाप बैठकर करते हैं ना. The father sits and praises it, doesn't he? बच्चे ये जो पढ़ाई है मैं सिर्फ तुमको आकर पढ़ाता हूँ. Children, I come and teach this study only to you. और इस पढ़ाई में तुमको अथाह कमाई है. And there is high income in this study. जन्म जन्मांतर की कमाई है. It is the income of many births. तो भाई जब भी ऐसी होती है कमाई तो अच्छी तरह से पढ़ना है ना. सो व्हेन द इनकम इज सच यू शुड स्टडी नाइसली शुडंट यू. और बोलते हैं कि बहुत सहज पढ़ाई है. एंड ही सेज दैट इट इज अ वेरी इजी स्टडी. सिर्फ एक आपत्ता सो आकर के समझो. जस्ट कम एंड अंडरस्टैंड इट फॉर अ वीक. समझ करके भल तुम कहीं भी उड़ जाओ. Then no matter where you go after understanding it. तुम्हारी ये पास पढ़ाई आती रहेगी, समझे ना? It will keep coming to you. You understand it, didn't you? अगर पढ़ते रहेंगे मुरली मिलती रहेगी ना. If you continue to study, you will keep receiving the murli, won't you? मुरली मिलती रहेगी तो फिर लिंक नहीं टूटेगी. इफ यू कीप रिसीविंग द मुरली योर लिंक वोंट ब्रेक. अगर स्कूल में नहीं आएंगे. इफ यू डोंट कम टू स्कूल. न पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स की टीचर के साथ लिंक टूट जाएगी. इफ यू डोंट स्टडी द लिंक ऑफ द स्टूडेंट्स विद द टीचर विल ब्रेक. तो अभी ये है तुम्हारी लिंक किसके साथ? सो नाउ योर लिंक इज विथ आत्माओं की लिंक परमपिता परमात्मा के साथ है. द लिंक ऑफ द सोल्स इज विद द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल. अभी देखो गाया भी हुआ है गीता में कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति. Now look, it is also mentioned in the Gita, those with an opposing intellect at the time of destruction. और विनाश काले प्रीति बुद्धि विदेते. And those with a loving intellect at the time of destruction gain victory. तो अच्छा तो बहुत ठीक है. So the words are absolutely correct. और अभी विनाश का भी समय है. And now it is also तो जानते हो कि ये दुनिया में सब जंगल के जानवर हैं.
यू नो ऑल ऑफ देम आर एनिमल्स ऑफ द बस जंगल इन द वर्ल्ड। खूब मरते रहते हैं और मारते रहते हैं तो तुमको मेनी डाई एंड कीप किलिंग ईच अदर। ये तो जानते हो ना बच्ची, केन जितना क्रोध या विकार और कोई में भी नहीं। डॉटर यू नो दिस डोंट यू, नो वन एल्स हैज एंगर और वाइसेस टू द एक्सटेंट दीज वंस हैव। देखो ये सभी बाप ने गाया है, ये तो मिसाल लिख दिया है कोई कोई। दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन रिटन। भाई द्रौपदी पुकारती है पर बाबा ने तो समझाया ना, तुम सब द्रौपदियां हो। एंड बाबा हैज और ये पुरुष सभी दुर्योधन दुशासन है। एंड ऑल दीज मैन आर ये पहले भी थे hasn't he? अभी तुम तो बदलते जाते हो। दे वेर दैट अर्लियर एज वेल, नाउ यू डू कीप चेंजिंग। परंतु उस समय की बात समझाता तो है ना, तो द्रौपदी ने पुकारा अबाउट दैट टाइम डजंट ही कि ये नगन करते हैं। सो द्रौपदी कॉल आउट दे डिसरोब मी। अबलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ ना, 25 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास था। सेकेंड पेज तो बोलते ऐसा अत्याचारी थे, अरे ऐसे अत्याचारी थे जो जानवरी की तो जाए है ना। सो इट इज सेड दैट दे वर सो टायरेंट, अरे दे वर सो टायरेंट दैट जस्ट एज देर इज अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। अरे ये तो जानवरों से भी बदतर, अरे दे आर वर्स देन इवन एनिमल्स। जानवर भी, अब देखो गाय है, तुमको भी तो गऊ कहा जाता है ना। द एनिमल्स टू, नाउ लुक देर इज अ काउ, यू आर ऑल्सो कॉल्ड अ काउ आरंट यू। ठीक है ना बच्ची। डॉटर इट इज करेक्ट इजंट इट। तो गऊ को वो पकड़ते थे। सो द बुल यूज टू कैच द काउ। गऊ को जानवर बस एक दफा वो गए, बच्चा हुआ। द एनिमल काउ जस्ट वेंट वंस, शी गिव बर्थ टू अ काफ। चलो एक दो दफा, ऑल राइट वंस और ट्वाइस। कभी ऐसे ही बैल कभी पीछे पसे ले, समटाइम्स द बुल जस्ट गोज आफ्टर इट। चलो परंतु गाय तो बाड़े में नहीं जाएगी आएगी। बट द काउ वोंट एंटर द पेन। वो बैल ही आएगा ना बार बार। इट इज द बुल दैट विल कम अगेन एंड अगेन वोंट इट। पिछाड़ी में तो वो भागी जाएगी, एकदम दूर भागे। शी विल सर्टनली रन इन द एंड, शी विल रन वेरी फार। अभी देखो फ्रीडम है ना उनको, जानवरों को भी। नाउ लुक द एनिमल्स ऑल्सो हैव फ्रीडम डोंट दे। माइया गैया को फ्रीडम है वहां। द फीमेल्स काउस हैव फ्रीडम। वो जानवर के सामने आएगी भी नहीं एकदम। इट वोंट कम इन फ्रंट ऑफ द मेल एनिमल एट ऑल। उनको ठूना भी लगाई देगी, लड़ भी पड़ेगी। इट विल इवन गोर इट, इट विल इवन फाइट। और यहां देखो बाप ने समझाया है, याद रखो कि द्रौपदी ने पुकारा, बाबा ने कहा ना। एंड लुक हियर द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, रिमेंबर दैट
द्रौपदी कॉल्ड आउट, बाबा सेड, डिडंट ही? एक एक द्रौपदी, एक एक दुशासन था। एवरी वुमन वॉज द्रौपदी एंड एवरी मैन वॉज दुशासन। पुकारा कि मैं, मुझे नहीं पकड़ो। शी कॉल्ड आउट, डोंट ग्रैब मी। वो जुआ की बात निकाली है ना कि भाई वो हारते हैं। दे हैव मेंशनड द स्टोरी ऑफ गैम्बलिंग, हैवंट दे? दे लूज। तो फिर उनको ले जाना पड़े सभा में। देन शी इज टेकन टू द कोर्ट। अच्छा अच्छा, तो वो लिखा हुआ है कि ये दुशासन मुझे नग्न करते हैं। सो इट इज रिटन दिस दुशासन डिजर्व्स मी। मैं रजस वाला हूँ। आई एम मेंस्ट्रेटिंग। देखो अभी रजस वाला हूँ इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाओ, एकदम नहीं लगाओ। लुक नाउ आई एम मेंस्ट्रेटिंग सो डोंट टच मी, डोंट टच मी एट ऑल। मुझे नग्न नहीं करो। डोंट डिजरोप मी। तो तुमको मालूम है कि यहाँ के मनुष्य रजस्वला हो बे, कुछ भी हो बे, तो भी वो कालम करने बगैर रहेंगे नहीं। सो यू नो नो मैटर इफ द वुमेन हियर आर मेंस्ट्रेटिंग और एनीथिंग, बट दे वोंट लीव विदाउट ब्लैकनिंग देयर फेस। समझा ना? You did understand, didn't you? इसलिए वो शास्त्रों में दृष्टांत देती हैं। This is why they give example in the scriptures. तो यहाँ भी बाप कहते हैं ऐसे ऐसे मनुष्य हैं इस समय में जो जानवरों से भी बदतर। So here too the father says there are such human beings now who are worse than even animals. तो था ना वो दुशासन जानवर से भी बदतर। That Dushasan was certainly worse than animal, won't he? Dushasan to sabhi hai. Baba ne kaha na, sabhi duniya hai Dushasan. And all of them are Dushasan. Baba has said, the entire world is Dushasan. Aur sabhi istriyan hain Draupadi. And all women are Draupadis, hasn't he? Aur sabhi ko nagan zarur karte. And they certainly disrobe all of them. अभी सतयुग आ रहा है उसमें तो नगन होने का हुक्म ही नहीं है। नाउ द गोल्डन एज इज अराइविंग, देयर इज नो रूल ऑफ बिकमिंग नेकेड देयर एट ऑल। अब ये बात कौन बैठ करके समझाते हैं? वेल हु सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दिस? वेद के बाप के बगैर कोई ये बातें सभी समझाएंगे? विल एनीवन एक्सेप्ट द अनलिमिटेड फादर एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स? सारी दुनिया की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ये समाचार सुनाए रहे। He is giving the information of the entire world of the golden, the silver, the copper and the iron age. अभी ये है घोर अंधियारे का, उस समय है, उस समय में जब के बाप आए हुए हैं। Now this is the time of extreme darkness when the father has come. And the father is watching. और ये बाप देख रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं। And the father is watching. He is watching everything, isn't he? ऐसे है ना बरोबर? It is certainly correct, isn't it? कैसी भी हुए, No matter how she is. हो बे ना, छी छी हो, कुछ भी हो। Even if she is dirty or anything. अरे वो कामी कुत्ते छोड़ते ही नहीं। अरे दोस लस्टफुल डॉग्स डोंट लीव हर एट ऑल। तो पुकारती है ना बच्ची। सो डॉटर शी कॉल्स आउट, डजंट शी? वो भी पुकारती है। शी ऑल्सो कॉल्स आउट, बाबा देखो हम ऐसी हैं। बाबा लुक आई एम इन सच कंडीशन। तो भी ये मुझे नंगन करते। इवन देन ही डिजर्व्स मी। अभी ये बाबा को कौन पुकारती है? नाउ हु कॉल्स बाबा?
जो जरूर यहाँ का ज्ञान कुछ है उनको तभी पुकारती। She certainly has this knowledge to some extent. Only then does she call out. और यहाँ आकर के बाबा के सामने बहुत ही बातें सुनाती है। She comes here in front of Baba and narrates lots of things. किसम किसम की बातें सुनाती है। She narrates different things. बड़ा गंद होता है एकदम। There is a lot of dirt. वो इसी को कहा जाता है कि देवी देवता धर्म वाले असुल। This itself is called that when those belonging to the actual deity religion. जब गिरते 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 ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। When those belonging to the actual deity religion reach this stage on falling gradually. उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है। When their stage becomes such. जिनके लिए ही बाप कहते हैं। The father says for them. जब ऐसी मेरे बच्चों की जब ये ऐसी हालत तो हो जाती है। When the condition of my children becomes such. अभी हर एक कोई अपने अपने दिल से समझे। Now everyone should understand it from within. कि बरोबर ऐसे है ना बरोबर। It is certainly like that, isn't it? बाप आकर कहते हैं भगवान वाच। The father comes and says, God speaks. बेहद का बाप आकर कहते हैं बच्चों को एक बच्चे। This unlimited father comes and tells the children, O children. मैं तुमको ही कहता हूँ कि अभी विकार में नहीं जाओ। I tell you alone that don't indulge in vices now. मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। I take you to heaven. ये है तुम्हारा पिछाड़ी का अंतिम जन्म। This is your last birth at the end. अभी बाप को याद करो। Now remember the father. तो विनाश काल ये विनाश काल है ना बच्ची। So at the time of destruction, daughter, this is the time of destruction, isn't it? देखते हो। You see. मरते ही रहते। They do keep dying. देखो अभी क्रिसमस है ना ये। Look, now this is Christmas, isn't it? तो देखो बोलते हैं कि भाई आपस में नहीं मरो। So look, they say, don't kill each other. तो कोई जानवर रहते थोड़े ही है। Animals don't live. मनुष्य को कुछ कहो तो कुछ सुने ही नहीं। If you say anything to human beings, they won't listen to anything. अरे ये तो है ही जानवर। अरे they are no doubt animals. वो किसी की भी नहीं सुनते। They don't listen to anyone. भले इनके बड़े कितने भी हों, बस लड़ते ही रहते। No matter how many elders they have, they just keep fighting. क्योंकि अखबारों में भी तो सब कुछ पढ़ता है ना भाई। अभी शांति करो कुछ। It is because everything is published in the newspapers as well, isn't it? ये हॉलीडे है। Now maintain some silence. It is a holiday. खुशी मनाने का समय है। It is the time to celebrate happiness. क्योंकि ये बेचारे बहुत बिछुड़ते हैं ना अपने मित्र संबंधी बच्चों से। It is because these poor ones separate a lot from their friends, relatives and children. जाते हैं लड़ाई के मैदान में तो वो समझते हैं। They go on the battlefield. They understand. अब हम जाते हैं मरने के लिए। That they go to die. है ना? They do, don't they? किसको भी पक्का पता नहीं रहता है कि भाई हम लौट करके आएंगे या नहीं आएंगे। No one knows it firmly whether they will return or not. नहीं? No. तो बच्चे देखो। So children, look. वो करते हैं तो भी मरते रहते। They do, still they keep dying. जैसे जानवर मरते ही रहते। Just like the animals keep dying.
तो कोई वैल्यू है मनुष्य की? सो डू ह्यूमन बींग्स हैव एनी वैल्यू? तो मनुष्य की अगर वैल्यू है, मनुष्य की महिमा है अगर, तो इनकी है, लक्ष्मी नारायण की। इफ ह्यूमन बींग्स हैव वैल्यू, इफ देयर इज द ग्लोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज ऑफ दीज वंस, ऑफ लक्ष्मी नारायण। और अब ये लक्ष्मी नारायण भी तो तुम बच्चे बन रहे हो ना। Moreover, it is you children who are becoming these Lakshmi Narayan, aren't you? तो इनसे भी तुम ब्राह्मणों की महिमा जास्ती है। So, the glory of you Brahmins is even more than these ones. तुम्हारी महिमा तो देवताओं से भी जास्ती है। It is because your glory is even more than the deities. क्योंकि तुम जानते हो, बाबा कहते हैं बाप को याद करो। It is because you know that Baba says, remember the father. फिर वो बाबा ही तुमको पढ़ाते हैं। Then that Baba alone teaches you. देखो पढ़ा रहे हैं ना। Look, he is teaching you, isn't he? तुमको पढ़ा रहे हैं, बस ऐसे ही है बच्चे, जो जानते हैं कि अभी बाबा, बाबा तो भगवान है। He is teaching you. The children are such that they know that Baba is God. वो हमको पढ़ाते हैं। He teaches us. हम स्टूडेंट हैं। और देखो कितना ऊंचे है पढ़ाने वाला। We are students and look how high the teacher is. हम कितने नीचे हैं पढ़ने वाले। And how low the students are. है ना बरोबर? It is correct, isn't it? एकदम तमो प्रधान। We are absolutely तमो प्रधान। और वो भी बाप ने कहा है मुख से, बच्चे समझते हैं कि तुम हैं बहुत जन्म के अंत के भी, जन्म काले अंत के बिल्कुल ही तमो प्रधान। And the father has also said through the mouth, the children understand that they are absolutely tamo pradhan at the end of many births. और हम तो बिल्कुल ही सतो प्रधान, सदैव का सदैव हूं। And I am absolutely सतो प्रधान forever. हम तुम्हारे पास आए हुए हैं। तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनने के लिए। आई हैव कम टू यू चिल्ड्रन टू बिकम योर ओबीडियंट सर्वेंट। ओम शांति। ओम शांति।